वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। फ्रेंड्स, मैं आज अपने गार्डन के लिए कुछ गमले बनाने जा रहा हूं, और गमलों की गार्डन में बहुत ज़रूरत पड़ती है, और नर्सरी से अगर ख़रीद के लाते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। ये दो हम ये ख़रीद के लाए हैं, ये कटोरा टाइप के, इसमें ये फर्मे समझ लो इनके, और इन फर्मों के थ्रू मेरे बनाए हुए अपने हैं, और इसी में का मैं ये ख़रीद के लाया हूँ। ये इसमें भी एक जो डिज़ाइन बना हुआ है ये भी बहुत सेम मैं लाया हूँ, क्योंकि पहले इसमें के हम काफ़ी गमले बना चुके। जो मटेरियल चाहिए, सबसे पहले ये सेंट चाहिए और सीमेंट, उसके बाद में ये फर्मे। आप एक ले लें, दो ले लें, जैसा फर्मा चाहते हैं, जैसी डिज़ाइन चाहते हैं वैसा फर्मा खरीद लाइए। आप एक शॉप पे अच्छे खासे मिल जाते हैं, बड़े हर साइज़ के, और आप जैसा चाहें वैसा ख़रीद के ले आएँ। और उसके बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद में चाहिए मुझे ये मोबिल ऑयल। वो मैकेनिक होते हैं स्कूटर वगैरह या मोटरसाइकिल के मैकेनिक होते हैं, उनके यहाँ ये इफ़राद मिल जाता है। उसके बाद में ये कन्नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तीन हिस्से सेंट के लेने हैं, एक दो तीन, तीन हिस्से सेंट के लेने हैं और एक हिस्सा सीमेंट का लेना है, और इनको एक हिस्सा ये सीमेंट डालना है। ये देखिए, ये इतना मजबूत गमला आपका बनेगा कि 10-15-20 साल तक हिलाए नहीं लेगा। और जो नर्सरी वगैरह हम देते हैं वो तो बिल्कुल कच्चे गमले होते हैं, साल दो साल में ही उनका सीमेंट जो है गिरने लगता है। आप 20-25 रुपए का सीमेंट ले लीजिए और सेंट 20-25 रुपए के ले लीजिए, 50 रुपए में आपके 10-12 गमले बन। क्या करना है आपने, ये इसमें मिला लीजिए, इसके बाद में फ्रेंड्स क्या करना है, ये फर्मा लेना है, क्योंकि मैंने सेलो पॉट बनाने तो सेलो ही फर्मा लिया, और इसमें ये मोबिल ऑयल जो है वो डालिए, बस थोड़ा सा मोबिल ऑयल डालिए, और ये रुई या कपड़ा या कोई भी चीज़ लेके इसको चारों तरफ इसको अच्छी तरीके से लगा दीजिए चारों साइड, ताकि इस पर जो हम मसाला तैयार करेंगे मिक्सचर सीमेंट और सेंट का, वो इसमें चुपके नहीं। इसका क्या फ़ायदा है कि वो गमला जो आप निकालेंगे बाहर वो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये पॉट जो है इस तेल की बदौलत उसको पकड़ेगा नहीं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो घोल डालूँगा वो चिकनाहट लाएगा आपके गमले पर, और आपका गमला बिल्कुल बाहर से ख़राब नहीं लगेगा, जैसे कि नर्सरी वाले बनाते हैं। हो गया, और इसको ज़रा सीमेंट लेना है और इसका घोल तैयार करना है। अच्छी तरीके से मिला लें, इसका घोल थोड़ा गाढ़ा सा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, इस तरीके का हो कि चिपक जाए ये। अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो रुकेगा नहीं। अच्छी तरीके से इसको मिला लें, ये इस तरीके का होना चाहिए आड़ा, और वो स्पॉट में डाल दें। और इसके चारों साइड इसको फेर दें, और जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकाल दें। और अगर ये नहीं भी चिपक रहा है तो हल्का हल्का इसमें ये मार दें सीमेंट, तो ये टाइट हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। फिर फेर दें इसके अंदर,
काफी कुछ चिपक गया है, तो इससे इस तरीके से ये मार दें ताकि ये मजबूत हो जाए और जल्दी सूख जाए, नहीं तो ये नीचे फिर बह जाएगा। और इसको थोड़ी देर के लिए रख दें। अब आप दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं सीमेंट की। ये अच्छी तरीके से मिला लीजिए फ्रेंड्स। इस तरीके से सूखा सूखा मटेरियल बना के और इसके आधा इंच के करीब ये चारों साइड चिपका दें। सब मैंने एपरेट करके बाहर लगा दिया है इसमें सीमेंट, और कन्नी से इसको बराबर कर दिया है। अब इसको और चिकना करने के लिए क्या करना है कि एक शीशे की बोतल लेनी है। शीशे की होनी चाहिए, प्लास्टिक वगैरह या और कोई बोतल ना हो, क्योंकि शीशे की बोतल चिकनी होती है, इस पर सीमेंट रुकता नहीं है और ये बहुत जल्दी इसको बराबर कर देती है। अब इस तरीके से इसमें फेर दीजिए। ये देखिए, ये साथियों देखिए दोस्तों, ये अंदर बिल्कुल चिकना हो गया है। बस इसमें पानी करके और थोड़ा गीला करके इसके ऊपर वाले हिस्से पर ऐसे रखना है, इस तरीके से किनारी बनानी है। ये देखिए तरीके से करना है साथियों। ये बोतल इधर लगाई और इसको लेबल कर दिया, ये इस तरीके से। साथियों जी बिल्कुल लेवल में ले आइए आप इस तरीके से, अगर ये गीला नहीं होगा तो रुकेगा नहीं। और इसको और चिकना करने के लिए क्या करना है आपने कि इस पे सीमेंट डालना है। जब आप इस पे सीमेंट डाल देंगे और फिर इस तरीके से कन्नी से करेंगे तो ये बिल्कुल देखिए जी चिकना आ जाएगा ऐसे। तो हल्का हल्का इसमें पानी डाल लें तो और चिकना चिकनाहट आ जाएगी। ये देखिए तो गाइस गबला हमारा तैयार हो गया है बनके। अब इसमें क्या कर देनी, झोल बनाना है। चाहे उंगली से बना दीजिए, चाहे कोई और लकड़ी वगैरह हो उससे बना दीजिए। डेनी झोल एक बना दीजिए, चाहे दो बना दीजिए, चाहे चार बना दें, अब वो आपकी मर्जी है। सेलोपोटों में अडेनियम वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं और सर्वाइव बहुत अच्छा करते हैं सेलोपोट। फिर इसमें पौधा भी लगाऊंगा। इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करें और गमले को बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये मुश्किल से मुझे 5 रुपये में पड़ा होगा। एक पतला पतला करके कन्नी वन्नी नहीं, हाथ से लगा देता हूँ पतला अपना साइज का हिसाब से देख के, और ये जल्दी काम हो जाएगा। बेहतरीन किस्म की फिनिशिंग आएगी इसकी। मैन है गमले बनाने में ये ऊपर का हिस्सा बनाना, ये चिकना और बेहतरीन किस्म का एक्यूरेट बराबर आना चाहिए। हल्का सा इसमें पानी ऐसे डालें और इसको ये देखिए ऐसे चिकना कर दें। तो इसी तरीके से दोस्तों पूरे गमले में फिनिशिंग देते हैं। जैसे दूसरा गमला भी बना लिया है, देखिए इसकी भी फिनिशिंग ऊपर से फर्स्ट क्लास हो गई है। और एक ये मैंने सूखने के लिए रख दिया है। और तो साथियों इनका टाइम पूरा हो गया है। अब इसको क्या करना है आपने, ये इस तरीके से इसको पलट दीजिए बहुत आहिस्ता से, और ये गमले का हिस्सा पकड़ लीजिए और ये इस तरीके से ये निकल जाता है फौरन। और देखिए कितना फ्रेश निकला है, ये बिल्कुल चिकना, बिल्कुल चिकना, जिस तरीके से नर्सरियों में से आप खरीद के लाते हैं। और ये किनारी इसकी है, इस तरीके से साफ कर दीजिए और ये देखिए। अब क्या करना है, इसको पलट के रख देना है, इसको इस तरीके से साइड में इसको खुरचना है। ये देखिए इसका ये पॉलिश उतार दें, क्योंकि इसमें ऑयल लगा हुआ है और ऑयल की वजह से ये चिपकेगा नहीं। छोटे छोटे बनाने हैं, ज्यादा बड़े नहीं बनाने हैं इसको। तीनों को लेबल बराबर देख लीजिए इसका, ताकि ये ऊंचा नीचा ना हो।
दोस्तों गमले तैयार हो गए हैं और फ्रेंड्स देखिए कितनी बेहतरीन डिजाइन इस पर ये चेक की आई है और अब इस पर मैं पेंट कर देता हूँ। तो व्यूवर्स वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद किया है तो आपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।